डी कंपनी स्पार्क नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसके ओनर रामगोपाल वर्मा खुद ही हैं। उस OTT पे आप ये फिल्म डी कंपनी को देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको ₹150 शायद लगेगा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अगर मैं फिल्म की बात करूं, तो ये वही पुराने जितने भी गैंगस्टर ड्रामास हमने देखे हैं कुछ उसी तरह ही हैं। ज़्यादा कुछ खास उम्मीद मत कीजिएगा इस फिल्म से। उसके बाद अगर हम एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो जिन लोगों ने भी काम किया है उन्होंने अपना बेस्ट तो ज़रूर दिया है। अगर हम पेरेंटल गाइडेंस के बारे में बात करते हैं, तो इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ तो नहीं देख सकते कि थोड़ी बहुत वायलेंस है और भी बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ओवरऑल आप इस फिल्म को अगर देखना ही चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं, ज़्यादा बोर तो नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी गैंगस्टर ड्रामास थे पहले, जितने भी हमने देखे हैं, कुछ उसी तरीके की कहानी है। इसका एग्जीक्यूशन और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ये फिल्म ठीक ठाक लगी। आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ जाने को है नहीं, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कैसे कैसे फिल्में भी आप देख सकते हैं, इसे भी आप झेल ही सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत स्टोरी बेटर हो सकती थी, ये मेरा मानना है। अगर आपने पहले भी ये फिल्म देखा है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी रेटिंग होगी डी कंपनी के लिए 3/5। आपने पहले भी देखी है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।